अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में मोर्चा खोलने जा रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करने जाएंगे किसान, जहां राकेश टिकैत के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 26 नवंबर से आंदोलन शुरू करने की तैयारी भी यहां हो रही है, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी बैठने को लेकर यहां पर चालान भी हो रहे हैं, जहां खेतों में कटीले तार लगाने पर भी चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गन्ना भुगतान को लेकर आंदोलन करेगा, जहां संयुक्त किसान मोर्चा इको गार्डन से शुरू होगा यह आंदोलन। तो बड़ी खबर, जहां राकेश टिकैत के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं किसान। ऐसे में तमाम तरह की रणनीति के तहत एक बार फिर से राकेश टिकैत के साथ तमाम जो किसान है वो मैदान में उतरे हैं और एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है। एक बार फिर से रुख करेंगे संवाददाता रामानुज का। रामानुज, गन्ना भुगतान को लेकर हम लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसानों की जो नाराजगी है वो सामने आ रही है, और इस बीच अब राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोलने जा रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि लगातार जनतंत्र टीवी भी ये सवाल खड़े कर चुका है कई बार जो विभागीय मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी से, कि गन्ना भुगतान आखिर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हो रहा, क्यों जो है चीनी मिलें निरंकुश बनी हुई हैं। और ऐसे में लगातार इस आवाज़ को उठाने के लिए जो है जनतंत्र टीवी, चाहे वो पश्चिम की बात की जाए, चाहे पूर्वांचल की बात की जाए, चाहे जो अवध क्षेत्र की बात की जाए, तो ऐसे में लगातार इस सवाल को उठा रहा है कि आखिर गन्ने का जो भुगतान है, किसानों की जो गाढ़ी कमाई है, जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है, वो आखिर उनको नहीं दी जा रही। और आज ये अगर बात की जाए तो जल्द ही यू कहें कि राकेश टिकैत ने आह्वान किया है 26 तारीख को जो है वो घेराव करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय का इस पूरे मामले को लेकर। और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है जो किसान यूनियन है वो किसानों के मुद्दे पर लड़ेगी। सबसे अगर बात की जाए कि जिस तरीके से घटना हुई थी ट्रैक्टर ट्राली की, उसके बाद से लगातार जो ट्रैक्टर ट्राली में सवारी मिल रही है उनका चालान कर दिया जा रहा है ट्रैक्टर ट्राली का। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो कटीले तार हैं उसको लेकर जो है पशु अधिनियम जो एक्ट बनाया गया है वो कहीं ना कहीं उस पर लागू कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों के चालान हो रहे हैं। और ऐसे में किसानों की फसल को बर्बाद जो पशु कर अन्ना पशु कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए किसान जो हैं इस तरीके के बाड़ लगा रहे हैं, कटीले तार लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है लगातार ऐसे कटीले तारों पर जो है चालान काटा जा रहा है और इससे भी नाराज है किसान। और इसके साथ साथ अगर बात कीजिए, सबसे बड़ा और सबसे मेजर पार्ट है गन्ना भुगतान। लगातार योगी सरकार जो है गन्ना भुगतान की बात कर रही है। इससे पहले अगर बात कीजिए, पहले कार्यकाल के अंदर शुरुआती दौर में गन्ने भुगतान की एक अच्छी रकम जो है किसानों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद से मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। और लगातार जो है गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा भी लगातार, इससे पहले जब वो सदन में विपक्ष के तौर पर रहा करते थे तो गन्ने पे सवाल उठाया करते थे, लेकिन जब वो सरकार में आए कुछ भुगतान हुआ, बाकी जो है किसान आज भी परेशान है। और ऐसे में जो विभागीय मंत्री वर्तमान के हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनसे भी लगातार जनतंत्र टीवी कई बार सवाल कर चुका है।